हरियाणा में एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला तो शाम से सामने आया है, जहां 27 दिन से लापता बालिग लड़की को पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। बताया जा रहा है कि लड़की के परिजनों के साथ ब्लैकमेलिंग की जा रही है। वहीं गांव के सरपंच और परिजनों ने डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर लड़की को जल्द ढूंढवाने की मांग की है। इस मामले में सवाल ये बनता है कि आखिर कब जागेगी पुलिस और पुलिस अपना काम कब मुस्तैदी से करेगी। पूरे तोशाम बलों के सरपंच जिसमें हम पूरे प्रधान जिसमें शामिल थे, हमारी एक तोशाम की बेटी 1 तारीख को कोई अनजान व्यक्ति, क्या नाम है उसका, जो उसको लेकर के यहाँ से भाग गया, उसको ढूंढने के लिए हमने कई बार प्रयास किए। आज हमारी पूरी पंचायत ब्लॉक की डीएसपी साहब एसडीएम साहब से हम मिले हैं और डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी हम उस लड़की को बिल्कुल आपके हवाले करेंगे और आपकी पूरी पूरी मदद। एक लड़की है जो बंजारों की है, जो वहाँ से काफ़ी दिन से लापता है और जिस रोल में FIR दर्ज कर रखी है, उसको हम तलाश करने लग रहे हैं। जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनसे पूछताछ जारी है। ये आज गांव के लोग, ये शहर के लोग इकट्ठे हो गए थे, इनको हमने ये बताया कि हम तब इस केस का बड़ा पक्ष कर देंगे, पूछताछ जारी।